के डिपार्टमेंट हैं उनके सहयोग से बनाती है। अभी भी हमको स्टील का स्टील का स्टैंडर्ड तय करना है तो स्वाभाविक है उसमें जो स्टील के एक्सपर्ट हैं उनके अधिकारी हैं उनका जो अपना लैब है उनके जो अधिकारी हैं तो सारे के सारे लोग रहते हैं एफएसएसआई है तो बार बार ये पूछा जाता है कि सर स्टैंडर्ड जो है स्टैंडर्ड तो सर हम बनाते हैं और एक सबसे मान स्टैंडर्ड जो है वो क्या कहते हैं कि बना हुआ भी है लेकिन वो जनरली जो है ये धारणा रहती है कि बीआईसी ने स्टैंडर्ड बनाया है। समाचार पत्र वाले भी पूछते हैं कि सर ये स्टैंडर्ड इतना बना हुआ है बढ़िया बना हुआ है तो फिर विदेशी माल का घुसपैठ कैसे हो जाता है चाइना का बना हुआ सब स्टैंडर्ड का सामान हमारे यहां कैसे आ जाता है तो ये सवाल है। तो एक तो भूमि जो है ये तो ठीक है आपने तय कर लिया कि अलग अलग क्या कहते हैं कितने कितने लेबोरेटरी कितने लैब का भी जो है तो एक जगह जो है अलग अलग कितने लैब हैं जिनका ये सरकार कर रहे हैं। 3295 लैब ऐसी से 15 दिन पहले तक थी जो एनएबीएल की थी अब वो घट के 2818 रह गई है कुछ प्रोसेस में लेकिन ये जो यहाँ काफी साढ़े चार हजार देख सकते हैं एक जगह पर सैलरी देख सकते हैं सर एक जगह पर देख सकते हैं और किस लैब में किसका क्या कहते हैं किस तमाम का सिमरत क्या कहते हैं बना हुआ है क्या सिमरत बना हुआ वो भी देख सकते हैं सामान का भी देख सकते हैं डेस्क का भी देख सकते हैं। तो अब जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम्स है वो हमारे सामने प्रॉब्लम्स है जिसका हम अलग से बैठक कह रहे थे लेंगे हम आज की बैठक में चाहते थे दो तीन घंटा रहना लेकिन अब समय नहीं है। लेकिन जैसे सबको चलते कि हमने स्टैंडर्ड बना दिया स्टील का स्टैंडर्ड बना दिया अब वो स्टैंडर्ड जो है जो स्टैंडर्ड यहां बना है वो स्टैंडर्ड सचमुच में क्या कहते हैं कोई स्टैंडर्ड है कि नहीं है इसको देखने के लिए हमारे पास में जो है मेन पावर उतना नहीं है और ना ही उतना लैब है। तो हम करते क्या है जो अपाइल करते हैं लैब को रजिस्ट्रेशन दे देते हैं कि आप क्या कहते हैं इसको देखो जो डिपार्टमेंट है उसको हम अपाइल कर देते हैं। अब वो डिपार्टमेंट कितना देख रहा है हमने तो स्टैंडर्ड बना दिया एक्ट बना दिया एक्ट क्या है वो उसको कौन देख रहा है। तो इसके लिए जो है सही रूप में और नतीजा क्या होता है यदि वहां कोई कह रहे थे कि लूप हाउस होता है तो फिर जो है शिकायतें क्या कहते हैं कि आनी जो है शुरू हो जाती है। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि और उसका नतीजा क्या होता है कि जो स्टैंडर्ड जो है वो उसमें मिलावट होने लगती है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि मिलावट नहीं हो जो बीआईएस ने बनाया है एक्ट पास हो गया है 1936 का एक्ट था वो जो एक्ट चेंज हो गया है रूल्स भी बन गए हैं रेगुलेशन भी काफी क्या कहते हैं कि बन गए हैं जो हमारा स्टैंडर्ड है वाईएस बन गया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बराबर हो गया है और वो स्टैंडर्ड हमारा क्या कहते हैं जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो हमारा है वो सचमुच में स्टैंडर्ड कायम है कि वो स्टैंडर्ड में कहीं क्या कहते हैं कि उसमें जो है मिलावट है या अभी भी हम उसको देख नहीं पाए हैं। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि जब हम किसी को रजिस्ट्रेशन की अथॉरिटी देते हैं ठीक है हम सब जगह हम नहीं स्टैंडर्ड को देख सकते हैं आप स्टैंडर्ड बनाओ और आपको जो डीआईए का स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक मेरा स्टैंडर्ड है उसने बना दिया और बनाने के बाद वो सही ढंग से क्या करते हैं वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसको देखने के लिए कौन बड़ी है इसको क्या करते हैं कि विचार करना चाहिए उस विभाग को हमने कहा इसलिए हम एक बार बैठक बुलाएंगे जितने अभी यहां हैं कॉमर्स के हैं आप सब लोग जितने क्या करते हैं कि सबको इसमें हम बुलाएंगे डिटेल से पूरा दिन क्या करते हैं चर्चा करेंगे जिससे कि ये शिकायत कह देते हैं कि नहीं आ रही कि जो हमने स्टैंडर्ड जो बीआईएस जो क्योंकि बदनामी हमारी बीआईएस की होती है तो इसको ये क्या कहते हैं कि जो है देखना क्या कहते हैं कि सबसे क्या कहते हैं कि जरूरी चीज है और बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि जब हम स्टैंडर्ड बनाते हैं तो सिर्फ बीआईएस अकेले मिलकर के स्टैंडर्ड नहीं बनाती है बल्कि जिस विभाग से संबंधित वो पदार्थ है वो विभाग के अधिकारी रहते हैं उसके एक्सपर्ट रहते हैं उसके लैब के लोग रहते हैं हमारा लैब कितना सक्षम है उनका लैब कितना सक्षम है इंटरनेशनल लैब कितना सक्षम है तो ये सारा का सारा बहुत सारी चीजें हैं जो जिसे दवाई है तो दवाई का जो है हम क्या उसको हम ड्रग्स क्या कह लेते हैं कि हम नहीं बनाते हैं
दशमलव हम उसको नहीं मनाते हैं, लेकिन दस में मान लो थर्मामीटर है और दूसरे जो कह देते हैं इक्विपमेंट्स हैं उसका स्टैंडर्ड तो हम बनाते हैं, उसका सही ढंग से क्या होता है कि नहीं, ये मेन चीजें हैं। इसलिए मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। ये जो आपने जो है अभी इसका दिया है प्रेजेंटेशन, और हम उस पर जो है एक पॉइंट पर हम चाहते थे जानकारी यहां से करना चाहते थे, लेकिन कह देते हैं कि समय के अभाव में वो हम नहीं कर पाए हैं। आप बिजी हैं तो हम क्योंकि लास्ट मीटिंग है, इनका भी रिटायरमेंट का समय हो रहा है, पूरा हो रहा है, इसलिए हमने कहा कि जाना हमारे के लिए जरूरी है। तो इसलिए जो है सो इनको भी हम भाव नहीं कह देते हैं कि आज जो है विदाई देते हैं। और